दोस्तों आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है चाचा चौधरी और रहस्यमय चोर। ये चाचा चौधरी की कॉमेडी कॉमिक्स है, पढ़ते हैं। इसके एक दो पेज थोड़े खराब प्रिंट में है लेकिन पढ़ने लायक है फिर भी। रहस्यमय चोर। अमेरिका के अंतरिक्ष प्रोग्राम के डायरेक्टर रिचर्ड जानमन चाचा चौधरी के पास बैठे हैं। कहिए जानमन साहब, मैं क्या सेवा कर सकता हूँ आपकी? कुछ दिनों से हमारे अंतरिक्ष प्रोग्राम के अंदर से कुछ महत्वपूर्ण कागज गायब हो रहे हैं। वहां पर हमारी सुरक्षा और निगरानी का इतना सख्त प्रबंध है कि कोई भी हमारी निगाह से बचकर नहीं जा सकता, फिर भी कागज गायब हो रहे हैं। अमेरिकी गुप्तचर विभाग तो विश्व प्रसिद्ध है, यह काम उसे क्यों नहीं सौंपते? यह काम पहले उसे ही सौंपा था पर गुप्तचर विभाग असफल रहा, तभी मैं आपके पास आया हूँ। महत्वपूर्ण कागजात कौन ले जाता है ये आप जैसी तरह बुद्धि का व्यक्ति पता लगा सकता है। अच्छी बात है, मैं भी चलता हूँ आपके साथ। अमेरिकन सरकार का एक जंबो जेट चाचा चौधरी को लेकर रवाना हो जाता है अमेरिका का अंतरिक्ष प्रोग्राम के अंदर। आइए मिस्टर चौधरी, हम आपको कड़ी सुरक्षा के प्रबंध दिखाएं। हर कैमरे की छत पर कई ऑटोमेटिक कैमरे लगे हैं जो हर सेकंड हर आने जाने वाले की फोटो लेते रहते हैं। हर कमरे में ऐसी कई मशीनें लगी हैं जो आने जाने वालों पर इतनी कड़ी निगरानी रखती है कि कोई सुई तक छिपाकर बाहर नहीं ले जा सकता। देखो वह आदमी बाहर जा रहा है, यह मशीन अभी उस पर पारदर्शक किरणें फेंकेगी। देखो किरणें उसके वस्त्रों को पार कर गई, यदि उसके पास कोई चीज छिपी होती तो मैं पता चल जाता। बिल्डिंग के चारों ओर हमारे सिक्योरिटी गार्ड हैं जो हर बाहर जाने वाले की तलाशी लेते हैं। मेरे भी इसके बावजूद भी यदि हमारे गुप्त कागजों की चोरी हो जाए तो क्या आश्चर्य की बात नहीं? जरूर है। अच्छा साहब, आप और आपके स्टाफ के सब लोग इस कमरे से बाहर चले जाए, मैं जरा एकांत में इस समस्या पर गौर करूंगा। ठीक है, सबके जाने के बाद मामला बड़ा पेचीदा है पर हल निकालना ही पड़ेगा। आखिर कागज चोरी हो कैसे जाते हैं? जरा इस कमरे को छानबीन कर देखा जाए। कुछ देर बाद, जॉनसन आ जाओ, चोर पकड़ा गया। अच्छा कहाँ है? धीरे बोलो। वेरा चोर और तुम्हारे कागजात, मुझे अफसोस है आपके कागजों को कुतर चुका है, यही आपके कागज उठाकर अपने बिल में ले जाया करता था। कोई बात नहीं, उन कागजों की नकलें हमारे पास है, हमें डर था कि कागज दुश्मनों के हाथों नहीं लग रहे हैं। धन्यवाद मिस्टर चाचा चौधरी। मस्त हाथी चाचा चौधरी ने एक बार अपने खेत में गन्ने बोए, फसल भरपूर हुई, परिवार ने खूब गन्ने चूसे, पड़ोसियों को भी गन्ने बांटे, फिर भी काफी गन्ने बचे रहे। चाचा इन्हें ठिकाने लगाने के लिए निकल पड़ा। चाचा जी इतने गन्ने उठाए कहाँ जा रहे हो? शहर में एक सर्कस आई है, हाथियों को तो गन्ने बहुत पसंद होते हैं, सर्कस वाले अपने हाथियों को खिलाने के लिए मेरे सारे गन्ने खरीद लेंगे। चाचा जी फ्री पास भी लाना, दो नहीं तीन, तेरी चाची को भी तो सर्कस दिखानी है। शहर की सर्कस में खेल शुरू है। वाह बढ़िया सजनों, अब आप एक ऐसे खूंखार हाथी का खेल देखेंगे जिसे हमने मैसूर के जंगलों से पकड़ा है। जंगली हाथी का खेल, शाबाश, अब इस पर खड़े हो जाओ, जल्दी करो, हंटर पड़ेंगे जल्दी। नया होने के कारण हाथी हिचकिचाता है, रिंग मास्टर गुस्से से हाथी पर हंटरों की वर्षा कर देता है। चिंगार, स्टॉक, ओह हाथी काबू से बाहर हो गया, भागो, बचाओ बचाओ। हाथी तोड़फोड़ करता हुआ दर्शकों को की गैलरी की तरफ बढ़ता है, भागो भागो जान बचाओ। सर्कस के तंबू फाड़ने के बाद गुस्से से भरा हाथी बाजार की ओर भागा, भागो जंगली हाथी। उधर चाचा चौधरी गन्ने सिर पर उठाए उसी बाजार से गुजरता है, भागो, पता नहीं ये लोग क्यों भाग रहे हैं। गन्ने देखकर हाथी के मुंह में पानी भराता है, वह चाचा के पीछे लपकता है, अरे बाप रे मस्त हाथी भागो। परंतु चालक हाथी चाचा को अपनी सूंड से गन्ने समेत उठा लेता है। हाय मरा बचाओ, हाथी ने उसे ऊपर उछाल दिया। ओह चाचा हाथी की पीठ पर गिरकर सीधा हो जाता है, खूब खूब मुफ्त मुफ्त में गन्ने चूसो। सर्कस का मालिक भी तभी वहां आ पहुंचता है, वह समझता है चाचा चौधरी ने ही उसे काबू में किया है। वह कमाल कर दिया, इस मस्त हाथी को काबू करके तुमने काफी जान माल की हानि बचाई है, लो 100 रुपए इनाम और सर्कस का स्थायी पास, जब तक चाहो फ्री सर्कस देखते रहो, धन्यवाद। लेटर बम। वैज्ञानिक प्रोफेसर विस्फोटक दास, प्रोफेसर आज क्या नई चीज बनाई, यह लेटर।
लेटर, इसमें कौन सी विशेष बात है? जामुन से खोल कर देखो, लो खुल गया, प्रॉम। पता चल गई इसकी विशेषता, यह एक लेटर बम था। ऐसा एक लेटर बम मैंने चाचा चौधरी के लिए बनाया, इसे खोलते वह जमीन चढ़ता नजर आएगा। प्रोफेसर की पत्नी धमाका देवी, आप भूल गए आज मेरी माँ का जन्मदिन है, आप उसे बधाई संदेश नहीं भेजेंगे? वो मैं तो भूल ही गया था, लो अभी बधाई संदेश लिखता हूँ। ट्रिन ट्रिन हेलो, मुझे जल्दी में एक मीटिंग में जाना है। दाएं लेटर पर चाचा चौधरी और बाएं पर अपनी माँ का पता लिखकर लेटर बॉक्स में डाल देना। पते लिख लूं, प्रोफेसर विस्फोटक दास का लेटर, मेरे नाम, खोल कर देखना चाहिए। आह, जन्मदिन का बधाई संदेश। प्रोफेसर, बधाई संदेश भेजने के लिए शुक्रिया। धमाका देवी, इस बार सचमुच तुमने धमाका कर दिया, तुमने लेटरों पर उल्टे पते लिख दिए। उधर प्रोफेसर की सास, आह जरूर मेरे दामाद ने मेरे जन्मदिन का बधाई संदेश भेजा होगा। खोलू, खोलते ही ब्राउन, मैडम कहाँ चल दी? अपने दामाद की खबर लेने। कुएं का सौदा, एक उजाड़ जगह पर दो आदमी एक बूढ़े को मार रहे थे। ओह, मैं मर गया, मत मारो। मार से बचना चाहते हो तो इस पर अपने दस्तखत कर दो। नहीं, कभी नहीं, मैंने कहा ना मुझे यह सौदा कभी मंजूर नहीं। तो फिर ये लो, मारो इसको और मारो बूढ़े को। अरे रुको, इस बेचारी को क्यों मार रहे हो? यह हमारा आपस का मामला है, तुम सीधे से अपना रास्ता नापो वरना तुम्हें भी मार मार कर यहाँ ढेर कर देंगे। अच्छा, चाचा चौधरी फिर बूढ़े की ओर बढ़ा। ओह उठो, आपको काफी चोटें आई हैं, ये आपको क्यों मार रहे हैं? यह हजारों वर्ष पुराना मेरा कुआ है, यद्यपि यह टूट फूट चुका फिर भी ये इसे 20,000 रुपये में खरीदना चाहते हैं। मेरे इनकार करने पर इन्होंने मुझे मारना शुरू कर दिया। इस टूटे फूटे कुएं के 20,000, इसमें पानी है क्या? पानी गंदा है, पीने योग्य नहीं, इसलिए इसे कभी उपयोग नहीं किया गया। तो फिर इसे बेच क्यों नहीं देते? 20,000 में तो ऐसे 20 कुएं आ जाएंगे। अपने बुजुर्गों की इस यादगार को मैं बेच नहीं सकता। आप लोग इस कुएं को खरीदने पर क्यों तुले हुए? 20,000 में तो और भी अच्छे कुएं आपको दूसरी जगह पर मिल जाएंगे। बोला ना, ये हमारा आपसी मामला है, तुम बीच में टांग मत अड़ाओ वरना यह तो कुछ टेढ़ी खीर लगती है। क्यों ना मैं इस कुएं का पानी निकाल कर देखूं, जिसे लोग इतना गंदा बताते हैं कि पीने योग्य नहीं। चाचा चौधरी कुएं में बाल्टी डालकर पानी निकालता है। मुझे शक है कि इस कुएं में पानी नहीं बल्कि कुछ और है। चाचा चौधरी पानी को जमीन पर डालकर आग लगाता है। यह रहा इसका रहस्य, यह पानी का नहीं तेल का कुआं है, इसलिए तुम इस उजाड़ कुएं को खरीदने के लिए इतने उत्सुक थे कि 20,000 में खरीद कर लाखों रुपए कमाओ, यह नहीं बिकेगा। अब अगर तुम्हें पता चल गया तो क्यों न तुम्हें मैं गोली मारकर इस दुनिया से चलता कर दूं? पिस्तौल देकर चाचा चौधरी का हाथ तेल की बाल्टी पर और भी मजबूत हो जाता है। और दूसरे क्षण यह लो, ओह, और उसके बाद जो दो तीन भरपूर हाथ भीम सैनी लटके पड़े तो बदमाशों के होश उड़ गए। हाय मैं मरा, हा, दोनों भाग गए। सुनो, यह पानी का नहीं तेल का कुआं है, सदियों तक बेकार पड़े रहने के कारण किसी का ध्यान इधर नहीं गया। यह हमारी राष्ट्रीय संपत्ति है, इसलिए इसे सरकार को सौंप दो। अच्छी बात। जेब पत्रा, कहिए थानेदार साहब, सवेरे सवेरे कैसे तकलीफ की? चौधरी, मैं तुम्हारे पास एक जरूरी काम से आया हूँ। कुछ दिनों से मेरे इलाके में एक बड़ा होशियार जेब पत्रा सक्रिय है। पहले कब चाय, फिर आगे का हाल सुनेंगे। हाँ, तो मैं कह रहा था कि वह चालाक जेब पत्रा सैकड़ों लोगों की जेब पर हाथ साफ कर चुका है। वह इतना सिद्ध हस्त है कि लोगों की जेब इतनी सफाई से साफ करता है कि किसी को पता ही नहीं चलता। उधर से सुपरिटेंडेंट साहब ने ऑर्डर भेजे हैं कि यदि उस जेब कतरे को एक सप्ताह में नहीं पकड़ा तो वह मुझे नौकरी से निकाल देंगे। अच्छा, फिर क्या हुआ? 5 दिन तक तो मैं उसे पकड़ने के लिए चारों तरफ घूमा पर वह हाथ नहीं आया। 6ठे दिन जब मैं उसे पकड़ने निकला तो पता है क्या हुआ? हंसोगे सुनकर, उसने मेरी भी जेब साफ कर दी थी। हा हा हा, अब सिर्फ 1 दिन रह गया, मेरी नौकरी का सवाल है। चाचा जी, मेरी मदद करो, आप निश्चिंत होकर जाइए, आज शाम तक वह आपके हवाले होगा। थानेदार जाने के बाद, बागवान, मैं यह कपड़े टांगने की रस्सी और कपड़े पकड़ने वाला एक क्लिप ले रहा हूँ, एक जेब कतरे को पकड़ना है। चाचा जी, इस मामूली क्लिप और रस्सी से क्या होगा?
पिस्तौल रखते तो बात थी, क्यों नहीं दीपू, यह बड़े काम की चीज है। देखो स्प्रिंग वाले क्लिप का मुंह खोलकर पीछे धागा लपेट दिया, इसे क्लिप का मुंह खुला रहेगा। इसके दूसरे सिरे पर नोटों की गड्डी बांध दी और गड्डी के साथ यह रस्सी, जब कोई नोटों की गड्डी को पकड़ेगा तो क्लिप पर लगा धागा खुल जाएगा और पकड़ने वाले की उंगली को खटाक से पकड़ लेगा। अब इन्हें मैं अपनी जेब में डाल लेता हूँ। नोटों की गड्डी के साथ बंधी रस्सी का दूसरा सिरा मेरी कमर में बंधा है, जिसे मेरे कुत्ते ने ढक रखा है। वाह, अब हम चले बस स्टॉप पर। तुम्हारा काम यह होगा कि वहां पर पहुंचते ही जोर जोर से लाखों रुपये की बातें करना, समझ गया? जिससे जेब कतरा हमारी ओर खींचा चला आया। हाँ, मैसूर लॉटरी का जो 2 लाख का इनाम मिला था वह कहाँ है? मेरी जेब में, बैंक में जमा कराने जा रहा हूँ कुछ देर बाद। बोलते बोलते मेरा मुंह थक गया, कुछ देर और बोलो। चाचा जी, पिछले महीने पंजाब लॉटरी का जो 1 लाख मिला था कहाँ है? मेरी जेब में, आज सारा रुपया बैंक में जमा कराऊंगा। तभी धीरे से एक हाथ चाचा की जेब में सरकता है और इसके साथ ही क्लिक के बंद होने की आवाज आती है। पकड़ा, क्लिक, ओह मेरी उंगली। क्लिप ने मेरी उंगली को पकड़ लिया। बापरे, भागो, कहाँ भागोगे, यह रस्सी पहले से मैंने बांध रखी है। ओह लो थानेदार साहब, यह आपका जेब कतरा। धन्यवाद चौधरी। छेदी लाल की दौड़ रेडी, एशियाई दौड़ प्रतियोगिता। छेदीलाल क्यों रो रहा है, क्या बेस्ट हो गई? नहीं, मैं दौड़ प्रतियोगिता में पीछे रह गया। तो तुझे कितने तेज भागना चाहिए था? क्या करूं, मेरी टांगे छोटी है, दूसरे प्रतियोगी लंबे थे इसलिए आगे निकल गए। चाचा जी मेरी मदद करो। साबू सो रहा है, सूखी घास उसकी नाक में घुसेड़ दो। चाचा जी क्यों पिटवाने की बात कर रहे हो, जैसा मैं कहता हूं करो। उड़ा दिया धड़ाम। फर्स्ट। छेदीलाल दौड़ के अन्य प्रतियोगी कहां है? सर मैंने उन्हें आधे रास्ते में देखा था, रॉकेट खतरे में। रॉकेट में एक गेंद फेंकता हूं, तुम उठाकर लाना। जाओ कुछ दूर। धमाका सिंह, तुमने चा चौधरी की गेंद क्यों लपक ली? सरदार, मैं रॉकेट के मुंह में गेंद की बजाय यह बम थमा दूंगा जो जमीन पर गिरते ही फट जाएगा और वह मर जाएगा। वाह लो मुंह खोलो। चाचा चौधरी का वफादार कुत्ता अब इस दुनिया से गया समझो। है यह तो गेंद वह नहीं है जो मैंने फेंकी थी, मेरे दिमाग में खतरे की घंटी बज रही है। चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। साबू रॉकेट को उठाकर आसमान में उछाल दो जल्दी। पलक झपकते ही साबू ने रॉकेट को उठाया और आसमान में उछाल दिया। आकाश में रॉकेट ने घबराकर बम को छोड़ दिया। अब रॉकेट नीचे आ रहा है, मुझे उसे लपक लेना चाहिए। साबू वो खतरनाक बम है, उसके जमीन छूने से पहले यहां से दूर हो जाओ। बड़ाम कंबक धमाका सिंह, तेरा यह प्लान भी असफल रहा, भागो। साबू का गर्म सूट। एक दिन साबू ने चाचा चौधरी से कहा, चाचा जी अब सर्दी आ गई है, मुझे ठंड लगती है, एक गर्म सूट सिलवा दीजिए। मैं आपसे कितने दिनों से कह रही हूँ उसे कपड़े सिलवा दो, पर आप सुनते ही नहीं। अच्छा भाई, बाजार जाकर तेरे गर्म सूट का इंतजाम करता हूँ। मास्टर कैंचीराम, एक आदमी के सूट में कितना कपड़ा लगेगा? यही कोई 2.5 मीटर। आगे बाजार में जाकर कहो, चाचा जी क्या चाहिए आपको? भाई को बरगणेश कपड़ा चाहिए, और बढ़िया से बढ़िया डिजाइन दिखाऊं। सेठ जी ने बढ़िया कपड़ा दिखाइए, कितना चाहिए आपको? एक सूट के लिए दे दीजिए। दूसरे दिन, येलो मास्टर कैंचीराम अब फटाफट सूट सी दो। ठीक है, लेकिन जिसका सूट सीना है कहाँ है वह आदमी, नाप ले लूं उसका। येरा, बाप रे, इस कपड़े से तो इसकी लंगोटी भी नहीं बन सकती। तुमने तो कहा था कि 2.5 मीटर कपड़ा ले आओ, मुझे क्या पता था कि तुम आदमी गानी पाट का सूट सिलवाना चाहते हो। इसके सूट में 20 थान लगेंगे। बात तो कैचीराम ठीक कह रहा, अच्छा और कपड़ा लाता हूँ। कुछ दिनों में सूट सिलकर तैयार हो गया, जिसे पहन साबू घूमने निकला। कहो कैसी फिटिंग है? एकदम बढ़िया। इतने में एक सर्द हवा का झोंका आया। अच्छी, कहो चाचा जी क्या हुआ? लगता सर्दी लग गई है और जुकाम हो गया। अच्छी, आपको और अधिक सर्दी न लग जाए इसलिए आपको जेब में डालकर घर ले चलूं।
चाचा जी घर आ गया, अब जेब से बाहर जाओ और रही है तो जवाब ही नहीं दे रहे। अरे देखना कहीं तुम्हारी जेब में उनका दम तो नहीं घुट गया। अरे हाँ ऐसा हो गया तो मर ही जाएंगे, जरा देखूं तो जेब के अंदर। अरे वह तो बड़े आराम से सो रहे हैं। चाचा जी जागो, आप सो गए थे। हा हा तुम्हारी कोट की जेब तो रजाई से भी ज्यादा गर्म और आरामदेह है। हा। चाचा चौधरी की पिचकारी, आज होली है, खूब जम के खेलेंगे, खूब पिचकारियां भर लो। रंगने के लिए आज किसे पकड़े? चाचा चौधरी को, बड़ा चालाक समझता है खुद को, कहते हैं उसने किसी की से मात नहीं खाई। फिर क्या, पकड़ कर रंग दो उसको, लेकिन वह इस वक्त मिलेगा कहाँ? मैंने उसे थोड़ी देर पहले नथु पान वाले की दुकान पर देखा था, अब वह वापस लौट ही रहा हुआ होगा। खामोश, चाचा चौधरी इधर ही आ रहा है, चुपचाप सब छिप जाओ। सीटी बजाता हुआ रहा चाचा। हा 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 होली है होली, रंग दो पूरी तरह, जाने न पाए। चौधरी आज कहाँ गई तेरी होशियारी? हा 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 हो। चला गया वह हार मानकर। अब पर मुझे लगता है वह लौट कर आएगा और बदला लेगा। यह नहीं हो सकता, एक तो उसके पास पिचकारी नहीं, दूसरे हम इतने सारे लोगों पर वह रंग कैसे डालेगा। तभी, अरे यार रंग की मोटी बौछार कहां से आई? मैंने कहता था कि चाचा चौधरी लौट कर आएगा, अब भागो यहां से। हा 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 होली है, अरे बाप रे उसने तो सबको रंग दिया। अफ्रीका में एक बार चाचा चौधरी और दीपू अफ्रीका की सैर को गए। सामान उठाने के लिए उन्होंने अभिषेक कपूर को नौकर रखा और घने जंगल में निकल पड़े। यह जंगल तो इतना घना है कि सूरज की किरणें भी जमीन तक नहीं पहुंच पाती। इतना घना जंगल मैंने पहले कभी नहीं देखा, यह कहाँ जाकर खत्म होगा? चलते चलो, कहीं ना कहीं तो खत्म होगा ही, कुछ और आगे चलने पर। क्यों भाई गफूर, यह जंगल कहाँ जाकर खत्म होगा? अरे गफूर, गफूर कहाँ गया? वापस पीछे पीछे की तरफ आओ, वह कहीं रास्ते में अटक गया होगा। चौधरी बचाओ, अजगर मुझे निगल जाएगा। चाचा चौधरी निशाना बांधकर एक साथ कई फायर करता है। अजगर मर जाता है, गफूर उसकी लपेट लपट से छूट जाता है। धन्यवाद चौधरी। कुछ दूर और चलने पर, मैं आपके साथ और आगे नहीं जाऊंगा, आगे दो आदमखोर भाई रहते हैं जो आदमी को मारकर खा जाते हैं, मैं वापस जा रहा हूँ। अच्छा भाई गफूर, दीपू हम तो जरूर आगे जाएंगे, लेकिन होशियार रहना। आदमखोर भाई, आह शिकार जा रहे हैं, आज इनका मांस खाना चाहिए। तुम इन पर पीछे से वार करो, मैं इन्हें आगे से घेरता हूँ, बचकर जाने न पाए। दोनों आदमखोर चौधरी और दीपू को घेर लेते हैं। चाचा जी अब क्या होगा? घबराओ नहीं दीपू, हमारे पास बंदूक है। लेकिन ऐसे समय बंदूक भी साथ छोड़ गई। अरे इसमें तो एक भी गोली नहीं बची। ठीक ठीक मार डालो दोनों को, भून कर खा जाएंगे इन्हें। आह, दोनों आदमखोर बालों से वार करते हैं। तभी बिजली की कौन की तरह दीपू और चाचा चौधरी कूद पड़ते हैं और आदमखोर के बाले एक दूसरे को भेद देते हैं। शहबाज दीपू, आह दोनों मर गए, अबे किसी को नहीं सताएंगे। दीपू तुमने इस घटना से क्या सीखा? जो दूसरों को मारना चाहता है वे अपने हाथों आप मर जाता है। ठीक है लो, जंगल भी खत्म हो गया। मछलियां और सोना। सोने के स्मगलरों की एक नाव धीरे धीरे समुद्र तट की ओर बढ़ रही थी। स्मगलरों का लीडर तट पर उनका इंतजार कर रहा था। वे आ गए, इस बार तो काफी सोना लाए होंगे। तभी एक पुलिस की जीप तेजी के साथ उस स्थान पर आकर रुकती है। रुको, हमें सूचना मिली है कि इस नाव में सोने की पेटियां स्मगल की जा रही हैं। हम तलाशी लेंगे। बड़े शौक से इंस्पेक्टर साहब। परंतु जब नाव की पेटियां खोलकर देखी गई तो, अरे इनमें तो केवल मछलियां हैं, सोना नहीं। चलो वापस। हा हा वे चले गए, अब निकाल लो असली माल। उसी नाव के पिछले हिस्से के साथ एक रस्सी बंधी हुई है जिसका दूसरा सिरा पानी में है। हा हा खींच लो पेटी को पानी के बाहर, इसमें असली माल है। वाह सोना, असली सोना, खूब पुलिस को चकमा दिया, कल भी ऐसा करना। दूसरे दिन सवेरे समुद्र तट पर चाचा चौधरी और दीपू दातुन करते हुए टहल रहे थे। आज तो मैं समुद्र में स्नान करूंगा, अच्छी बात है। दीपू मेरे कपड़ों का ख्याल रखना, मैं जरा एक गहरी डुबकी लगाऊं। अच्छा पानी के अंदर, अरे समुद्र के अंदर पेटी, पेटी के साथ रस्सी बंधी है, हो ना हो यह स्मगलरों का काम है। उधर समुद्र तट पर
आवागी मेरा सोना लेकर। फिर पुलिस छापा मारती है, हम इस माल को देखेंगे। बड़े शौक से इंस्पेक्टर, अरे आज बिन में मछलियों के सिवाय कुछ नहीं है, आप रोज रोज बेकार में तकलीफ करते हैं साहब, चलो वापस चले। जरा ठहरो इंस्पेक्टर साहब, जाने से पहले जरा इस पेटी को भी देख लो। नहीं नहीं इसमें भी मछलियां हैं, वहीं खड़े रहो वरना गोली मार दूंगा। पेटी खोलने पर सोना निकलता है, यही है मछलियां, गिरफ्तार करो इन्हें। चाचा जी धन्यवाद। किस बात का धन्यवाद, मैं तो समुन्द्र में सिर्फ डुबकी लगाने आया था। रक्षा विभाग की फाइलें। रक्षा विभाग का एक उच्च अधिकारी चाचा चौधरी के घर। चाचा जी हमें आपकी मदद चाहिए, कुछ दिनों से हमारे दफ्तर से देश की सुरक्षा से संबंधित जरूरी फाइलें गुम होने लगी हैं। काफी कोशिश के बावजूद चोर नहीं पकड़ा जा रहा, यह तो सचमुच बड़ा गंभीर मामला है जनरल साहब। मैं अभी आपके साथ चलता हूँ, मुझे शक है जरूर कोई विदेशी जासूसों का गिरोह सक्रिय है। रक्षा विभाग के गेट पर आप निश्चिंत होकर जाएं, मैं यहाँ खड़ा होकर हर आने जाने वाले पर नजर रखूंगा। विदेशी जासूस, आज तुम्हें इस दफ्तर से फाइल नंबर 1 लानी है, जरा होशियारी से, पर मैं अंदर कैसे जाऊंगा। लो अंदर जाने का पास, इसे अपने हमने जाली तैयार किया है, पर यह है असली जैसा ही है, तुम्हें कोई रोकेगा नहीं। ठीक है बॉस। रक्षा विभाग में, यह आदमी अच्छे चरित्र का नहीं लगता, पर उसके अंदर जाने का पास है उसके पास। दफ्तर में एक महिला क्लर्क फाइलें सुरक्षित रख रही है, तभी पीछे से अचानक स्वर करने की कोशिश न करना, मेरे पास पिस्तौल है, अलमारी की चाबी निकालो। हाँ यही है फाइल, पर इतनी बड़ी फाइल कहाँ छुपा कर बाहर ले जाऊं। संतरी देख लेगा, क्यों ना मैं इस महिला की साड़ी पहन लू, साड़ी में छिप भी जाएगी। वह महिला कलर की साड़ी पहन लेता है, उसे अपने कपड़े पहना देता है, अब मुझ पर कोई शक नहीं करेगा। फिर गेट पर, संतरी जी जाने क्यों मुझे इस महिला पर शक लग रहा है। अरे तुम तो यूं ही शक्की हो, अपने पति को खाना देकर जा रही होगी। है साड़ी के नीचे बूट, तब तो जरूर कुछ मामला गड़बड़ है। देवी जी जरा ठहरिए, मुझे आपकी तलाशी लेनी है। किसी शरीफ औरत को तंग करते तुम्हें शर्म नहीं आती, कुछ भी आपको तलाशी देनी होगी, नहीं जाने दोगे तो यह लो। बदमाश गोली चलाता पर चाचू चौधरी बचकर कूद जाता है, इससे पहले कि दूसरी गोली चले चौधरी का लठ चल गया। ओ यह लो और लो, हाय मैं मरा, माफ कर दो यारी, वह फाइल जो मैं चुरा कर ले जा रहा था। उस महिला को खोलो और उसे कपड़े वापस करो। जनरल भी आ जाता है, आपने बहुत अच्छा काम किया चाचा जी, इसके ग्रोह के बाकी सदस्यों का पता हम इसी से लगा लेंगे। अखबार का कमाल, दीपू मैंने अखबार बेचने का काम शुरू किया है, इसमें बहुत फायदा है, सुबह एक घंटा अखबार बांटो और ढेर सारा कमीशन पाओ। वह मैं भी आपके साथ चलता हूँ, मुझे भी एक काम सिखला दो। ऊपर वाले फ्लैटों में रबड़ बांधकर अखबार फेंका जाता है। बॉन्ग, ओ अखबार वाले तेरा सत्यानाश हो, तूने हमारी खिड़की का शीशा ही तोड़ डाला। जो हो गया जाने दो, मैं आज ही नया शीशा लगवा देता हूँ, खिड़की कल से खुली रखना ताकि अखबार से शीशा न टूटे। दूसरे दिन वे अपनी खिड़की के दरवाजे खुले रखते हैं, वह ऊपर वाले फ्लैट की खिड़की खुली है, इसमें से अंदर जाकर और यह पिस्तौल दिखाकर मैं काफी माल बटोर सकता हूँ। मकानों में पाइप भी शायद हमारी सुविधा के लिए लगाए जाते हैं, इससे ऊपरी मंजिल पर पहुंचना कितना आसान है। हाथ ऊपर करो, सारी नकदी और जेवर मेरे हवाले कर दो, वरना भी शूट करता हूँ। तभी चाचा अखबार डालने आता है, अखबार वाला आओ भीम, ओह और ये लो, हाय मैं मरा। शोरगुल सुनकर चाचा चौधरी भी आ जाता है। चाचा चौधरी तुम्हारे अखबार ने आज बचा लिया, लो इनाम 100 रुपए, पहले इसको कोतवाली पहुंचाऊ फिर लूंगा इनाम। डाकू गीदड़ सिंह, एक दिन चाचा चौधरी ढेर सारे पटाखे ले आए, देख दीपू मैं तेरे लिए क्या लाया। वाह चाचा जी इतनी सारी आतिशबाजी, क्या क्या है इसमें। फुलझड़ी, एटम बम, अग्नि चक्र, अनार और रॉकेट, जरा देखूं ये एटम बम असली है या नकली। वाह मजा आ गया भड़ाओ, ओह ओह आह यह देखो रॉकेट खिड़की से निकलकर आसमान को गया।
शहर के बाल डाकू गिद्दड़ सिंह और उसे और साथी, अगर आज आज चौधरी का सफाया कर दें तो हमारे साथियों को फिर किसी का डर नहीं। चाचा चौधरी ने हमारे अनेक साथियों को पकड़कर पुलिस के हवाले किया है। यदि हम इस चूहे को रास्ते से हटा दें तो फिर हमारा कोई बाल विभाग का नहीं कर सकता। लेकिन सरदार, चाचा चौधरी को मारना आसान नहीं। अरे तुम मेरे साथ तो आओ, बंदूक के गोली से ही भून दूंगा उस चूहे को। वेर है उसका घर, बंदूक तान दो और उसे देखते ही दनादन गोलियां दाग दो, बचने न पाए। उधर घर के अंदर दीपोइन राकेटों और एटम बमों का मुंह खिड़की की ओर रखो ताकि इनकी आग से घर को नुकसान न हो। अच्छा जी, दावा बोल दो, मार दो, भागने न पाए। वह गया रॉकेट, ओह जुम, जिसमें डाकू गोली दागने को होता है, दीपू का छोड़ा हुआ रॉकेट सरट से आकर उसके सीने में लगता है और उसके पीछे और रॉकेट, फिर एटम बम। बापरे, जान बचानी है तो भागो, जुम ब्राम। बाहर शोरगुल हो रहा है, आओ देखे क्या हो गया। अरे गिद्दड़ सिंह, बंदूक के साथ तुम यहाँ क्यों, क्या कर रहे थे? हम तुम्हें मारने आए थे, पर तुम्हारे रॉकेटों ने हमारा कचूमर बना दिया। जल्दी से किसी पास के अस्पताल में ले चलो। हाय मरा, गोरिल्ले को कैसे पकड़ा? चाचा चौधरी को बच्चों के साथ खेलना बड़ा अच्छा लगता है। एक दिन, चाचा जी मुझे पकड़ कर दिखाओ। अरे दीपू, तुम तो बहुत तेज दौड़ते हो ते बेचारा। ओह चाचा जी मुझे बचाओ, दीपू मेरी इस पगड़ी को पकड़ लो, मैं तुम्हें ऊपर खींचता हूँ। दीपू पगड़ी के सारे ऊपर आ जाता है। यह सुरंग, यह सूखा हुआ कुआं था, गांव वालों ने इसे घास फूस से ढक दिया। वे उस सूखे हुए कुएं पर फिर घास फूस डालकर उसे पहले जैसा ढक देते हैं और चले जाते हैं। उसी रास्ते में दीपू, बचो, वृक्ष उखड़ कर तुम्हारे ऊपर गिर रहा है। और उस वृक्ष के पीछे से, अरे बाप रे, इतना बड़ा गोरिल्ला तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। चाचा जी भागो वरना वह हमें मार डालेगा। ठहरो दीपू, अगर खूंखार गोरिल्ला गांव की तरफ निकल गया तो वह गांव में आतंक मचा देगा, लोगों को कुचल देगा, उनके घरों को तहस नहस कर देगा, इसलिए इसको यहीं रोकना चाहिए, चाहे हमारी जान जान ही क्यों न चली जाए। आकर गोरिल्ले पर दे मारता है, बौखला कर गोरिल्ला चाचा चौधरी व दीपू की ओर भागता है। भागो, वह हमारे पीछे आ रहा है। चाचा जी, वह हमारे बहुत पास आ गया, जल्दी वह हमें पकड़ कर हमारी चटनी बना देगा। चाचा चौधरी गोरिल्ले को जान बूझ कर सूखे कुएं की तरफ ले जाता है। गर्र, दीपू घबराओ मत, मैं भी उसे फांस देता हूँ। और दूसरे क्षण गर्र, गिर गया वह उस कुएं में। अब वह कुछ भी कर ले, अपने आप ऊपर नहीं आ सकता। खबर सुनकर चिड़ियाघर का डायरेक्टर आता है और गोरिल्लो को निकलवा कर पिंजरे में बंद कर देता है। हमारे चिड़ियाघर में बच्चे इसे देखकर बड़े खुश होंगे। निराश युवक, कहो भाई साहब, क्या हालत तुम्हारा? ठीक हो मेरे आका? अच्छी बात है, अब तुम जा सकते हो। और साबु चिराग में विलीन हो जाता है। अच्छा दीपू, मैं जरा बाजार जा रहा हूँ, तुम यहीं घर पर रहो। अच्छा, चाचा चौधरी बाजार में घूम रहा होता तभी, बचाओ बचाओ, क्या हुआ? वह देखो, वह नौजवान खुदकुशी करना चाहता है। फायर ब्रिगेड को फोन करो, वे लंबी सीढ़ी से उसे उतार लेंगे। खबरदार, अगर कोई फायर ब्रिगेड को फोन करने गया तो मैं फौरन कूद कर जान दे दूंगा। मामला बड़ा पेचीदा लगता है, जल्दी कुछ करना चाहिए। चाचा चौधरी चुपचाप चिराग को रगड़ता है। क्या हुक्म है? साबू, तुझे जल्दी से उस नौजवान को बचाना है। तुम मुझे नहीं बचा सकते, तुम अगर दाईं तरफ खड़े हो तो मैं बाईं तरफ से कूद जाऊंगा। नौजवान जब बाईं तरफ को भागता है तो साबू अपना दूसरा हाथ उधर कर देता है और तब ये एकाएक, आह छोड़ दो मुझे। नौजवान सड़क पर सुरक्षित लाकर खड़ा कर दिया जाता है। बर्फुदार, अब बताओ तुम खुदकुशी क्यों करना चाहते थे? ओह, मैं 10वीं में फेल हो गया था, इसलिए जीना नहीं चाहता था। दर्द तेरे की, बस इतनी सी बात? अरे इस साल दिल लगाकर पढ़ो और अगली बार फर्स्ट डिवीजन से पास हो जाओ। अद्भुत चित्रकारी, चाचा जी उसने मेरी नाक काटकर अपने पास रख ली और मेरे दोनों कान। अरे भाई किसने? शहर में एक जापानी चित्रकार आशितोबा आया हुआ है। वह शर्त लगाता कि जो कोई भी उससे अच्छा चित्र बनाएगा
उसे वह अपनी नाक या कान काटकर दे देगा, नहीं तो वह अपने प्रतिद्वंदी की नाक कान ले लेगा। इस तरह वह अब तक सैकड़ों नव युवकों के नाक और कान काट चुका है। अच्छा ये बात है, अब मेरे साथ मैं भी जरा उसे देखूं। आशितोबा, जापानी चित्रकार अपने कमरे में। अरे भाई तू क्यों बोले वाले लोगों के नाक कान काटता फिरता है? ये लोग सर हार गए सो नाक कान खो बैठे। तुम भी मुकाबला कर लो, अगर जीत गए तो तुम्हें हमारी नाक मिल जाएगी और हम यहाँ से चले जाएंगे। ठीक है, लेकिन हमारे चित्रों को परखने के लिए जज कहाँ है? वह इधर ही है। जज आ जाता है। एक बात और है, चूंकि मैं छोटा मोटा चित्रकार नहीं, अतः मुझे चित्र बनाने के लिए एक बहुत बड़ा कैनवस चाहिए। तुम दोनों को पेंटिंग बनाने के लिए ये दो आमने सामने की दीवारें दी जाती है। तुम्हें इन दीवारों पर 7 दिन के अंदर अपने अपने चित्र पूरे करने हैं। प्रतियोगिता शुरू होती है। बीच में एक पर्दा डाल दिया जाता ताकि कोई दूसरे का चित्र न देख सके। उधर चाचा चौधरी पेंटिंग बनाने की बजाय बाजार में घूम फिर कर अपना समय काटता है। 6 दिन बाद, अब अरे तुमने अभी तक अपना चित्र शुरू नहीं किया? मैं कोई मामूली चित्रकार नहीं, 7वें दिन ही अपना चित्र पूरा कर दूंगा। 7वें दिन दोनों दीवार के बीच का पर्दा हटता है। अरे ये दोनों चित्र तो बिल्कुल एक जैसे हैं, अब फैसला कैसे करूं? ठीक है, दोनों चित्र एक जैसे हैं, लेकिन चूंकि चाचा चौधरी ने अपना चित्र 7 दिन की बजाय सिर्फ 1 दिन में बनाया है, इसलिए वह जीत गया। चौधरी, हेलो चाकू और काट लो हमारी नाक। मैं तुम्हारी नाक नहीं काटूंगा, क्योंकि जापानियों की नाक वैसे ही छोटी होती है, मैं उसे काट कर क्या करूंगा? इतना वचन दो कि आगे से किसी के नाक कान नहीं काटोगे। हम वचन देता है। बाद में, परंतु चाचा जी आपने इतना अच्छा चित्र बना कैसे लिया? चित्रकारी तो आपको आती नहीं। कौन सा चित्र? मैंने कोई चित्र वितर नहीं बनाया, मैंने तो सिर्फ उस दीवार पर जितना बड़ा एक आईना लाकर वहां फिट कर दिया। जो भी चित्र जापानी चित्रकार बनाता वह सामने के आईने में दिखाई देना ही था। फिरौती का पैसा। एक दिन दीपू बड़े मजे से खेल रहा होता है कि यह बच्चा अकेला खेल रहा है, क्यों ना हम इसे उठाकर ले जाए और इसके घर वालों से मोटी रकम बटोरे। फुर्ती से पीछे से आकर दोनों डाकू बेखबर दीपू को एक चादर में दबोच लेते हैं। अह पकड़ा गया, आवाज न निकलने पाए। माँ दीपू को गठरी में बांधकर डाकू जंगल की ओर दौड़ते हैं। अगले दिन चाचा चौधरी के पास डाकुओं की चिट्ठी आती है। क्या लिखा इस चिट्ठी में? लिखा है यदि जंगल में एक निश्चित स्थान पर 20,000 दे पाए जाएंगे तो वे दीपू को आजाद कर देंगे, अगर पुलिस को खबर की तो वे दीपू को मार देंगे। लेकिन हमारे पास इतना रुपया आएगा कहाँ से? फिक्र न करो, मुझे सिर्फ 100-100 के 2 नोट दे दो, बाकी का मैं खुद इंतजाम कर लूंगा। यह लो, बस अब देखना मैं दीपू को अभी छुड़ा कर लाता हूँ। और चाचा चौधरी डाकू द्वारा निश्चित किए हुए स्थान की ओर चल पड़ता है। मुझे दूर को आता दिखाई दे रहा है, कहीं वे अपने पीछे पुलिस न ले आया हो, इसलिए पिस्तौले निकाल लो। हा हा, लगता 20,000 रुपए ले आए हो, सचमुच तुम बड़े अकलमंद हो। संभालो अपने रुपये और यह लो संभालो अपना लड़का। वाह, अरे है गया सिर्फ ऊपर और नीचे 2 नोट, बीच में कागज कहाँ गए? पकड़ो। क्यों भे, हमारे साथ चालाकी? केवल 200 देकर लड़का ले जा रहा था। मैंने कब कहा कि मैं तुम्हें पूरे रुपए दे रहा हूँ? 200 मैंने दे दिए, बाकी उससे लो जो तुम्हारे पीछे खड़ा है। हैं, पीछे कौन खड़ा? उधर तो कोई नहीं। तभी चाचा का एक जोरदार मुक्का बदमाश के मुंह पर पड़ा। किशुम, उधर नहीं इधर। ओह, और यह ले तू भी एक। ओ किशुम, काफी पिटाई होगी, अब यह किसी का बच्चा अगवा नहीं करेंगे। पोस्टमास्टर की समस्या। एक दिन एक बड़ी फार्म का मैनेजर डाक से आए हुए पत्रों को खोलकर पढ़ रहा था। आज बहुत से पत्र आए, लगता है जनता को हमारा माल पसंद आया है। यह आखिरी पत्र है, देखो इसमें क्या लिखा है। प्रणाम, उस लिफाफे में लेटर बम था, उसी ने इसकी जान ले ली। चाचा चौधरी अपने घर पर। चाचा जी क्या हाल है? बड़े दिनों से बेकार बैठा, लगता है जुर्म कम होने लगे हैं, लोग शरीफ होते जा रहे हैं। तभी चाचा जी जल्दी चलिए, पोस्ट मास्टर जनरल ने आपको भी बुलाया है, लगता है मेरी कोई जरूरी चिट्ठी आई है।
पोस्टमास्टर जनरल के पास। चाचा जी कुछ दिनों से लेटर बम बहुत आने लगे हैं। अपराधी का पता आपके सिवा और कौन लगा सकता है? अगर आपको अपनी सुरक्षा के लिए बंदूक पिस्तौल या तोप चाहिए हो तो हम उसका प्रबंध करवा देंगे। आखिर लेटर बम जो फटा उसके लिफाफे के ये टुकड़े हमारे पास मौजूद है, चाहे तो देख सकते हैं। मुझे बंदूक या तोप नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ लेटर बॉक्स खोलने की इजाजत, यह लिफाफे का टुकड़ा और यह कॉल बेल दे दीजिए। अच्छी बात है चाचा जी, लेटर बम के लिफाफे के टुकड़े का क्या करोगे? इस पर लगी डाक खाने की मोहर बताती है कि यह किस जोन से पोस्ट किया गया और उस जोन का यही लेटर बॉक्स सबसे अधिक एकांत जगह पर है। अपराधी हमेशा भीड़ से जी चुराते हैं, अतः दोबारा लेटर बम डालने के लिए भी वह यहीं आएगा। यहाँ से छिप जाओ। लेटर बॉक्स को खोल कर मैंने कॉल बेल उसके अंदर रख दी है, तभी टन, यही है वह लेटर बम डालने वाला, पकड़ो इसे। इससे पहले तुम किसी को बुला मैं तुम्हारा गला दबाकर तुम्हें खत्म कर देता हूँ। ओह भीषम, इंस्पेक्टर साहब गिरफ्तार कर लो इसे। सचमुच लेटर बॉक्स से एक लेटर बम निकला है, पर यह बताइए कि आपने इस अपराधी को पहचाना कैसे? सीधी सी बात है, लेटर बॉक्स में कॉल बेल थी। आम पत्थर हल्के होते हैं, इसलिए जब वे उस पर गिरते थे तो आवाज नहीं होती थी। पत्थर बम कुछ भारी होता है, जब वह उस पर गिरा कॉल बेल बज उठी, चोर पकड़ा गया। सचमुच आपका दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता चाचा जी। डाकू पेंडा और गेंडा, पेंडा और गेंडा दो डाकू जंगल में योजना बनाते हैं। सरदार यह सुनसान जगह यात्रियों को लूटने के लिए बहुत ही उपयुक्त है। मेरा पिस्तौल भी तैयार है, लगता है वह सामने को ही आ रहा है। तैयार हो जाओ, तुम्हारे पास जितना भी जेवर और पैसा चुपचाप निकालकर जमीन पर रख दो, जरा भी देर की तो दोनों को गोली मार दूंगा। यह रहा मेरी पत्नी का सारा जेवर और रुपया, मेहरबानी करके हमारी जान बख्श दो। ठीक है, अब तुम जा सकते हो। चाचा चौधरी किसी काम से उधर से गुजरता है, रात होने से पहले मुझे अगले गांव में पहुंचना है। क्यों भाई इतने घबराए हुए, क्यों भागे चले जा रहे हो? आगे रास्ते में दो खूंखार डाकू खड़े हैं। डाकू खूंखार? शायद उन्होंने मेरे भीम सैनी लट का मजा नहीं चखा, अभी देखता हूं उनको। सरदार गेंडा वह देखो, एक और शिकार आ रहा है, काफी पैसे वाला दिखाई देता है। फिकर मत करो, मेरे पिस्तौल में 6 गोलियां भरी है, सीधे तरह अगर उसने जेब उल्टी दी तो ठीक है, नहीं तो। क्यों बच हुए, किधर बढ़ता चला जा रहा है? रख दे निकाल कर जो कुछ भी तेरी जेब में है, नहीं तो यह पिस्तौल देखी है ना, अभी निकालता हूँ। दौड़, ओह यह लो। कोई बात नहीं सरदार गेंडा, मैं छुरे से इस चूहे के टुकड़े टुकड़े कर देता हूँ। हाय शुम, जिन रागीरों का माल तुमने लूटा है वह वापस करो, अभी करते हैं। जेवर और रुपये वापस कर दिए जाते हैं। धन्यवाद चाचा जी, पर ये बेटा को कहाँ है? जेल की हवा खा रहे हैं। अच्छे काम का नतीजा अच्छा और बुरे का बुरा होता है। तो दोस्तों कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है। आज थोड़ा पढ़ने में मुझे कुछ मजा नहीं आ रहा था, थोड़ा थक गया हुआ हूँ। तो मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में।